चुके हैं अजमेर रेलवे स्टेशन और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। आज एक ही दिन है हम यहाँ पे, आज क्या क्या करेंगे वो आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। यहाँ पे ना फ्रेंड्स एक अलग ही सुकून मिल रहा था कि इतने दिनों से जिस चीज़ की ख्वाहिश थी वो फाइनली होने जा रही थी। अजमेर शरीफ जो हमने सोचा था हम शादी के बाद जाना चाहते हैं तो हम वहाँ पे आ गए थे। तो इस वक्त है हम चूड़ी बाज़ार में, यहीं पे ही हमने अपना जो होटल है वो बुक किया था, ऑनलाइन बुक किया था तो हमें यही वाला मिला था। चलिए अंदर चलते हैं। तो ये था हमारा रूम, छोटा था लेकिन जरूरत की सारी चीजें थी, बस ठंड में एक ब्लोअर की कमी थी, वो होता ना तो सारी चीजें हो रेडी हो गए। सोचा इस बार ऐसे चले जाए क्योंकि फिर अच्छे से नहीं पहुंच पाते हैं। इस बार सोच रहे हैं इस बार सही है। फ्रेंड्स उन्होंने हमें काफी दूर रिक्शा से उतार दिया और उन्होंने बोला कि अंदर अलाउ नहीं है, आपको पैदल जाना पड़ेगा। तो बस हम मज़ार की तरफ जा रहे थे पैदल पैदल। काफ़ी रौनक वाली गली है, मतलब इस गली में क्या नहीं मिलता, हर एक चीज़ की शॉप थी और कुछ अलग ही रौनक थी इस जगह पे। पहले हम चलिए मज़ार चलते हैं, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। फातिहा हो गया है, ज़्यारत अच्छे से हो गई है, अभी हम जा रहे हैं देग की तरफ। यहाँ पे कितनी सारी सारी चीज़ें पड़ी थी, जिसको जो भी देना था वो सबने देग में डाल दिया है और अभी चलते हैं वापस। ये चीज़ क्या थी ये मुझे पता नहीं चला, हमने काफ़ी देर से देखा, पढ़ने की कोशिश करी, पूछने की भी कोशिश करी, हमें नहीं पता चला। तो अगर आप में से किसी को पता है तो हमें बताइएगा। वहाँ पे एक शॉप थी जहाँ से हमको हकीक लेना था, बेटी खाला ने बोला था कि मुझे हकीक ले आना, स्पेसिफिकली उन्होंने बोला था कि मुझे रेड कलर का ले आना। इन्होंने बताया कि हकीक में शायद 24 कलर आते हैं, अब पता नहीं एकदम ओरिजिनल होगा या नहीं होगा, लेकिन बेटी खाला ने मंगाया था, हमने ले लिया क्योंकि शेप भी अलग अलग आते हैं। तो रिंग में जो एकदम अच्छे से बैठेगा हमें वो वाला लेना था, और कुछ हमें तस्बीह लेनी थी हमने वो ले ली है। और उसके बाद बस हम निकल गए और बाहर निकले हैं, अब यहाँ भी आए हैं तो कुछ ना कुछ तो लेंगे। तो बांधनी के सूट हमने अपने लिए, अम्मी के लिए, अम्मा के लिए, बाकी सारी कुछ कुछ चीज़ें जो देने के लिए हमें यहाँ से लेनी थी वो हमने ले ली है। उसके बाद हमारा मन था कि चलो जूस या लस्सी पीते हैं, तो वहाँ पे एक शॉप थी तो हम लोग वहाँ आके बैठ गए। तुम्हें क्या लग रहा था वहाँ पे लस्सी रखी है बताओ क्या था वो? अब मैं दिखा कह रहा हूँ क्या रखा था वहाँ पे, यहाँ रखा हुआ है इसको लस्सी बोल रही है, ये ओरिजिनल है खट्टी। हम लोग लस्सी नहीं। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग आ गए स्वीट की शॉप पे, क्योंकि हमें सबके लिए मीठा कुछ लेके जाना था, तो यहाँ पे सारी वैरायटी थी। सीधा हाथ में डालो बिस्मिल्लाह। ये एक फैमिली थी फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी थी, इनकी अम्मी सबसे अच्छी थी। उन्होंने बोला कि दुआ में हम तुमको ये चूड़ियाँ पहनाना चाहते हैं, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुमने चूड़ा नहीं पहना है, तो मैं उनको दिखाने गई थी। बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत शुक्रिया आपका। मोहब्बत की चूड़ी है, मोहब्बत की चूड़ी, सेवन वंडर्स, साथ हम भी है। अना सागर जाने के लिए टाइम खत्म हो चुका था तो हमने बाहर से देख लिया और आपको भी दिखा दिया। ऑटो वाले भैया ने बताया कि यहाँ पे सेवन वंडर्स एक जगह है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, तो हम वहाँ जा रहे हैं। हम लोग आ गए सेवन वंडर्स देखने, हमने कहा अभी देख लेते हो कि पता नहीं असली में सारी जगह देख पाएंगे या नहीं। सही है, सही है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने ताजमहल से। ये वॉल नहीं क्या है, लग रहा है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। अगर होगी तो भाई सिर्फ 2000 रुपए दूंगा। ठीक है चलो देखते हैं। ना हुई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, हाँ, तो तुम मुझे एक जूते दिलाओगे। असली में आज तक ताजमहल नहीं देखा है, हमने आज तक नहीं देखा है ताजमहल, तो ऐसे देख लेते हैं। आगरा भी चलना है पता है, काफी लोग बुला रहे हैं।
कहा है तुम्हारा साजा? कर्नाटक। मैंने कहा सर्दी पड़ी तो शॉल निकाल के दे रहा है, इतना प्यारू है। अभी ये सस्पेंस खुलने वाला है कि ये क्या है। ये देखो रूम सर, मैंने बताया ना। सॉरी। शर्त हार गए हम लोग, शर्त हार गए। पता है मैंने बताया था ना रूम का एथेंस का कोई। अजमेर बाबा फिर से बुलाए हम सबको। 2:26 हो रहा है फ्रेंड्स, और हमारी ट्रेन जो है वो 3:10 पे। एक पे खाने का इंतजाम कर रहे क्योंकि ये वाली जो ट्रेन है फ्रेंड्स इसमें खाना नहीं होगा। हम लोग पहुंचेंगे शाम के 5:00, तो पता नहीं खाना क्या होगा क्या नहीं होगा, तो भूख लगेगी तो हम इससे काम चला सकते। थक गई। हम जा रहे हैं घर। हमारी ट्रेन फ्रेंड्स स्टेशन पे आ चुकी है और इतना ज्यादा थके झांसी और सभा को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि झांसी से बहुत सारी यादें पुरानी है ना। झांसी देखेंगे और खाने को भी देखेंगे, भूख लगी है ना। झांसी में देखते हैं क्या मिलता है, कुछ मिलता है तो खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। झांसी स्टेशन आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं नीचे। भूख बहुत तेज लगी है, खाने के लिए लेके आते हैं। पक्का जल्दी चलो जल्दी, इधर नहीं भी बहुत आगे। उनको बोल दो डब्बे में भेज दें। अरे वाह बहुत अच्छे लोग हैं, कह रहे डब्बे में दे देंगे। दरवाजे के पास ही है, बहुत सपोर्टिव लोग ही मिलते हैं, बहुत अच्छे थे झांसी में। वो बेचारी मेरी उसने हिम्मत बंधाई कि आप लोग आराम से उतर के ले सकते हो क्योंकि ट्रेन रुकती है, और भैया भी बहुत अच्छे हैं, वो कह रहे हैं ट्रेन में ही ला देंगे, आप लोग जाओ। टेस्ट ही नहीं दिला था नहीं। इधर तो पहले देखो, पहले इंजन चेंज हुआ, इंजन तो लगा नहीं है ट्रेन में, कैसे जाएगी ट्रेन। पहली बार इतनी हिम्मत करी तुम्हारे साथ रह के तारीफ करो, उतरी हो जिंदगी में पहली बार। चलो हिम्मत दिखाई तुमने, इसके लिए तुमको पुरस्कार मिलेगा। क्या मिलेगा? केला मिलेगा। थैंक यू सो मच। कितना हो गया? वो इतनी अच्छी थाली, फ्रेश गर्मा गर्म थाली मिल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आप इनकी स्मार्टनेस का लेवल देखिए। ट्रेन का भी इंजन अलग था, इंजन चेंज हो रहा था, पर कहीं चल भी सकती है। चश्मा नहीं लगा है हमें, तुमने बस हमें बताया कि देखो बेबी इंजन चेंज हो रहा है। मैंने कहा इसकी बात यकीन नहीं करो। मेरी बात का यकीन नहीं है? देख रहे हो आप लोग, आंखों से नहीं देखो, देख रहे हो आप लोग मेरी बात का, इसको यकीन बिल्कुल भी नहीं है। डर होता है ना, डर के आगे जीत नहीं होती, डर भर नहीं होता, डर के आगे घबराहट होती है। हम फ्रेंड्स लाइफ में कभी भी पापा को भी नहीं उतरने देते। देखो खुशी जिंदगी में खाने से बढ़ के कोई चीज नहीं। 4:00 हम लोग आ पाए हैं। बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। अब जा रहे हैं, थोड़ी देर बैठेंगे अम्मा के पास, उसके बाद डिनर करेंगे। अम्मा ने कुछ बना के रखा होगा लेकिन अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है, क्योंकि अभी चाय वाय पी के आए थे। अम्मा ने बनाया चिकन, अम्मा ने बनाया चिकन। आप जाओ अपने दोस्तों को अपना मुंह दिखाया, तड़प रहे हैं आपके बिना, और तुम भी तड़प रहे हो उनके बिना।